नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। अलीगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल के नेतृत्व में धर्मपुर कोर्ट यार्ड से सेंट्रल तक लखनऊ में पुलिस की गोली से मारे गए विवेक तिवारी की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान विवेक बंसल ने प्रदेश सरकार के बर्खास्त करने के साथ साथ दोषी को पुलिसकर्मियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। विवेक बंसल ने बताया कि इस समय प्रदेश में अराजकता गुंडा राज का माहौल बना हुआ है। पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू है, निर्दोष लोगों को इनकाउंटर में मारकर उनकी जान ले रही है। लखनऊ में एक आम आदमी को गाड़ी न रोकना इतना भारी पड़ा कि वहां तैनात पुलिसकर्मी ने अपनी पिस्टल निकालकर उसको गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम पर अभी तक मुख्यमंत्री व उनके सरकार द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। देखिए, कल जो विकास तिवारी की जिस तरीके से हत्या हुई है बैंक मैनेजर, एक जिस तरीके से यहाँ की जो एक प्रणाली शासन की चल रही है, जिसको चाहे उसको गोली डाल दी, और उसी प्रकरण का श्रृंखला का प्रकरण है। और जिस तरीके से निर्दोष किसी बैंक मैनेजर की हत्या, जिसमें पुलिस के द्वारा जो रक्षक हैं वही अगर रक्षक बन जाएंगे, तो कैसे ये शासन, कैसे संविधान की रक्षा होगी, कैसे आम आदमी सुरक्षित होगा, ये समझ से परे है। तो आज इसका गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। उसके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ का जिलाधिकारी के और प्रशासन जो है पूर्ण रूप से दबाव बना रहा है कि वो अपनी जो याचिका है या अपनी जो आरोप है वो वापस लें, अपनी FIR वापस लें। और ये थोड़ा बहुत ये जीता जागता एक हत्या है, इसमें 307 का 302 की अब के धारा लागू होनी चाहिए। निलंबन से काम नहीं बनता सिर्फ सिपाही का, 302 की FIR होकर उस पर जो कानून की परिधि में जो कार्रवाई एक हत्या के लिए होनी चाहिए वो। विधायक जी, क्या ऐसा नहीं है अलीगढ़ के बाद पूरे सूबे में जो इस तरह की घटनाओं की ऐसी बाढ़ सी आ गई है? तो देखिए, अलीगढ़ को भी आप उसमें ले सकते हैं, उसकी तो चल चुकी है जाँच, जिलाधिकारी ने उसकी वो कर दी है। तब तक हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे जब तक जांच की एक वो उनका रिपो ना आ जाए, जाँच की रिपोर्ट ना आ जाए। पर लेकिन प्रथम दृष्टिगत कहीं ना कहीं हो सकता है वो अपराधी हो, पर लेकिन जिस तरीके से किया है वो एक हत्या ही। पेश अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अजय कुमार की खास रिपोर्ट।